से 3 राज्यों में आगे दिखाई दे रही है, लेकिन एग्जिट पोल बताएगा कि आगे किसकी सरकार बनती है। और वहीं हम मौजूद हैं बातचीत करने के लिए आरएलडी के पूर्व कार्यकर्ता आशीष तिवारी जी, जो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इनसे जानेंगे कि आज नतीजे आए हैं तो इस पर इनकी क्या राय है। सर, सबसे पहले तो जो आप आरएलडी छोड़ के बीजेपी में शामिल हुआ, फिर क्या रीज़न रहा? रीज़न बहुत सरल सा था। देखिए, मुझे करीब 2 साल हो गए थे आरएलडी में, और मैं जिस विचारधारा को देखकर गया था, चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को देखकर मैं गया था। इन 2 सालों में मैंने ये प्रतीत करा कि उनकी इस विचारधारा के लिए वहाँ कोई काम नहीं हो रहा है। उस विचारधारा को बेचकर पार्टी काम कर रही है, और इस विचारधारा से उसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। तो मुझे बड़ा दुख भी हुआ, और फिर मैंने ये देखा कि कौन ऐसे पार्टी है जो किसानों की बात कर रही, किसानों के लिए सोच रही है, नौजवानों के लिए सोच कर रही है, बेरोजगारों के लिए सोच रही है, कमेरों के लिए सोच रही है, गरीबों के लिए सोच रही है। तो मैंने देखा कि कहीं ना कहीं जिस विचारधारा से मैं जुड़ना चाह रहा था, वो विचारधारा मुझे भारतीय जनता पार्टी में दिखाई दी, इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। आरएलडी तो बोलती है कि जो है, जो किसानों के हित में कदम उठाया, सबसे पहले उसी पार्टी ने उठाया। हाँ, बिल्कुल, निश्चित तौर पर मैं ये कहूँगा कि हाँ, उस पार्टी ने उठाया था, लेकिन वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये चौधरी चरण सिंह जी के समय की बात है, और ये आज में और उस समय में बहुत अंतर आ चुका है। चौधरी चरण सिंह जी निसंदेह बहुत बड़े नेता, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उनका बड़ा सम्मान भी है, और किसानों के लिए उन्होंने जो करा वो निश्चित तौर पर मील का पत्थर था। लेकिन उसी विचारधारा को आज के जो राष्ट्रीय लोकदल के नेता हैं, वो उसको बेचने का काम कर रहे हैं, वो उस विचारधारा को बढ़ाने का काम नहीं कर रहे हैं। तो मैं ऐसे किसी भी छलिया या धोखेधड़ी वाली पार्टी में रहना पसंद नहीं करता, इसलिए मैं आ गया था। तो क्या लगता है कि जयंत चौधरी जी जो है, चौधरी चरण सिंह जी के कम कर कर्म पर नहीं चल रहे उनके लक्ष्य? देखिए, मैं पार्टी की बात करूंगा, चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा किसानों के लिए थी, गरीबों के लिए थी, वो इस पार्टी में कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। आज ये लोग सिर्फ किसानों की बात करते हैं, सिर्फ चैनल्स पे ये किसानों की बात करते हैं, सिर्फ मीडिया में, ये घर से और ऑफिस से बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। जो मुद्दे या जो समस्याएं, अगर इनको लगती हैं कि नहीं ये किसानों की समस्याएं, उसके लिए इनका ना कोई धरना ना कोई प्रदर्शन। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये पार्टी जो है, ये सिर्फ पश्चिम के 2-4 जिलों में ही रहना पसंद कर रही है, क्योंकि आप खुद ही, आप तो अच्छे पत्रकार हैं, आप जानती हैं कि पूर्वांचल में इनका कोई अस्तित्व नहीं है, और ना इसके लिए पार्टी कोई ऐसा कदम उठा रही है जिससे ये लगे कि हाँ, ये बढ़ना चाहते हैं या ये किसानों के लिए काम करना चाहते हैं। तो जिस तरह से आपने बीजेपी का हाथ दामन थामा है, तो क्या लगता है कि आगे चल के मतलब आपको कोई बड़ा पद दिया जाएगा? देखिए, मैं पद के लिए नहीं आया हूँ, मैं कार्यकर्ता के रूप में यहाँ पर काम करने आया हूँ, चूँकि मुझको सेवा करनी है, पद और उसकी लोलुपता नहीं है मुझ में। मैं सिर्फ एक कार्यकर्ता बना रहना चाहता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ में उनकी नीतियों को बढ़ाने का काम करूँगा, मुझे पद का कोई लालच नहीं है, मैं कार्यकर्ता ही बहुत हूँ। चूँकि मैं आपको बताऊँ कि जितने भी बड़े नेता रहे हैं इस पार्टी में, वो सब कार्यकर्ता बनकर ही काम करें, और बाकी पद की बात रही, अगर पार्टी समझेगी कि मुझे कुछ काम करने के लायक समझेगी, अगर वो मुझे कुछ जिम्मेदारी या दायित्व तो देगी, तो उसका मैं निर्वहन पूरी श्रद्धा के साथ में करूंगा। जिस तरह से आज 4 राज्यों के नतीजे आ रहे हैं, 3 राज्यों में बीजेपी आगे चल रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर बीजेपी जो आगे चलने की अगर आप बात कहो, तो 4 के 4 राज्यों में बीजेपी आगे है। हाँ, किस तरीके से वो मैं बता सकता हूँ। 3 राज्यों में तो बिल्कुल क्लीन स्वीप कर रही है, एकदम बढ़िया बहुमत के साथ में सरकार बनाने का काम कर रही, और रही तेलंगाना की बात, तो तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी के पास में पिछली बार 1 सीट थी, और अभी करीब वो 9 सीटों पर आगे चल रही है। तो कहीं ना कहीं ये भी उसकी बहुत बड़ी जीत है कि जहाँ पर उनका कुछ भी नहीं था, वहाँ पर उनके कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी और वहाँ पर लोगों ने समझने की कोशिश करी। अगर इस बार नहीं भी आ पाती है तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी, तो निश्चित तौर पे मैं आपको बता दूं कि कुछ ही समय में अगर कांग्रेस वहाँ सरकार बनाती या जो भी पार्टी बनाएगी, उसकी नीतियाँ 2-4 महीने में सामने आ जाएंगी, और वहाँ की जनता को मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा तो दुख जरूर होगा कि
कि उसने गलत सरकार को चुनने का काम करा। आज जिस तरह देखा जाए 3 दिसंबर है और विश्व दिव्यांग दिवस का कार्यक्रम भी हो रहा है, तो इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, जो दिव्यांग हैं वो उनको इनके इस दिवस पर मैं बहुत तो शुभकामनाएं देना चाहता हूं और मैं पूरे भारतवर्ष से ये निवेदन करूंगा कि जहां पर भी आपको दिव्यजन मिले तो ये दिव्यजन जो हैं ये ईश्वर ने एक हमारे लिए एक ऐसे अनूठी लोग ये हैं जिनका हमको सम्मान करना चाहिए, जिनका साथ देना चाहिए। और अगर कोई कमी आती है या दिखती है कि जैसे दिव्यांगों में कोई भी कमी है तो उसका कोई मजाक ना उड़ाए या उनको हीन भावना का सामना ना करना पड़े। मैं उनको सारे दिव्यांगों को बहुत, जितने भी दिव्यांग हैं उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं। और ऐसा नहीं है कि देखिए, ईश्वर हो सकता है कि किसी के किसी भी मानव के अंदर में कोई भी कमी हो सकती है, लेकिन उस कमी को मैंने कई बार ऐसे देखा है कि वो जो दिव्यजन हैं उन्होंने उसको अपनी ताकत बनाकर उभारा है। तो मैं पुनः से उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। बहुत हमारे साथ आशीष तिवारी जी, भाजपा कार्यकर्ता जिन्होंने आरएलडी का दामन छोड़कर बीजेपी का हाथ थमा है। उनका कहना है कि बीजेपी किसानों के हित के लिए काम करती है और आरएलडी जो चौधरी चरण सिंह के विचारधारा पर चल रही थी वो अब विचारधारा नहीं रह गई है, वो काम नहीं कर रही है। और एग्जिट पोल अगर जो चुनाव हो रहे हैं उसके नतीजे आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि बीजेपी चारों राज्यों में कहीं ना कहीं प्रचंड बहुमत से अपनी पूर्ण सरकार बनाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल के साथ मनु तिवारी, वी न्यूज। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाना न भूलें।